अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और आज का दिन बहुत ही बिजी गुजरा था मेरा, क्योंकि आज कपड़े भी धोए हुए थे मैंने काफ़ी सारे। आप लोग देख सकते हैं पीछे कपड़े सूख रहे हैं। और कबाब की रेसिपी जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी काफ़ी दिन पहले, वो भी मैंने आपसे पिछले कुछ आई थिंक लास्ट वीक में मैंने एक व्लॉग में आपसे शेयर की थी शामी कबाब की रेसिपी, तो वो मैंने आज दोबारा बनाए थे। और इसके अलावा जो भी आज की रूटीन होगी तो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा शाम में जो भी रूटीन होगी वो आपसे शेयर करूँगी। और मार्केट भी जाना है आज, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी है एक दो, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं पिकनिक के लिए और आई थिंक हम वाटर पार्क जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। तो वहाँ पर जितना भी एक्सप्लोर करेंगे हम, कौन से वाटर पार्क में जाएंगे और कहाँ एक्सप्लोरिंग करेंगे और कितना एंजॉय करेंगे, ये सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई थिंक सैटरडे नहीं तो संडे तक वो ब्लॉग आप अपलोड हो जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। और ज़रूर ज़रूर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह करना मुझे मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो फिर जल्दी से चलते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। एज यू नो कि बच्चों की समर वेकेशन पड़ गई है और बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, इनके फादर की जॉब पर जाने के बाद उठते हैं ये, तो मैं और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर अंडे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए और पराठा बना रही हूँ, चाय भी बिल्कुल रेडी है। अपने लिए मैं एक रोटी बनाऊँगी जिसपे मैं हल्का सा देसी घी लगाऊँगी, मुझे चाय से देसी घी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं पराठा नहीं खाती, या तो सादी रोटी ले लेती हूँ या फिर उस पर बटर या फिर देसी घी लगा लेती हूँ हल्का सा, और हाफ स्पून मैंने यहाँ पर अपने लिए देसी घी लगाया है, बस ये मेरे लिए बहुत है। और सुबह में मैं ये वाला ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोपहर में नहीं खाती कुछ भी, और फिर रात में डायरेक्ट खाना खाते हैं हम लोग। हम खाना जल्दी खा लेते हैं, शाम की चाय होती है उसके साथ बिस्किट वगैरह लेती हूँ, और फिर रात को हम मैक्सिमम 9 बजे तक, हम 9 साढ़े 9 बजे तक रात का डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हम सब जल्दी सोते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी उठते हैं और उन्हें फिर जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही हूँ और मिक्स चाय बनाती हूँ मैं, कभी कभी मिक्स चाय बनाती हूँ, कभी कहवा वाली चाय बनाती हूँ। तो शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स अच्छे लगते हैं, कभी बिस्किट होते हैं, कभी कोई पापे वगैरह रस्क वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बिस्किट ही होते हैं। और ये मैंने बनाई थी दाल मलका मसूर की, जिसे साबुत मसूर भी कहते हैं, और ये मेरी फेवरेट दाल है। बिल्कुल दालों में जितनी भी दालें हैं ना उन सब में मुझे सबसे ज़्यादा ये दाल पसंद है, और मैंने दाल चावल बनाए थे और ये बहुत मज़े की बनी थी। इमली वगैरह डाल के खट्टी दाल बनाते हैं ये वाली, और बहुत अच्छी लगती है। और इसको अच्छी तरह घोटने से जो है ना हम लोग घोटते हैं, और ताकि इसमें अच्छी तरह चिकनाहट आए और लेस आए, और बहुत मज़े की बनती है। तो चावलों के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी एक जान हो जाती है घोटने से, वरना ये थोड़ी सख्त होती है, इसलिए अगर घोटेंगे नहीं तो फिर ये एक जान नहीं होगी और अलग अलग हो जाएगी, पानी अलग लगेगा और दाल अलग लगेगी। तो चावल बहुत मज़े के बने थे और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी। हम सब खाना खा रहे हैं यहाँ पर रात का। इसके बाद जो भी रूटीन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अम्मी के यहाँ से भेजे थे मुझे अम्मी ने ये करेले, और ये बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद बच्चे जो है ना थोड़ा सा कलरिंग वगैरह कर रहे हैं, ये अफ़ान जो है ना कलर कर रहे थे, और आयशा ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये इतना मुझे क्यूट लगा कि आयशा इनको हाथ पकड़ के कलर करना सिखा रही थी, तो फिर मैंने इसका भी एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे कि छोटे भाई को जो है ना वो बड़ी बहन उनकी काम करना सिखा रही हैं। और अब आगे आप अफ़ान की बातें सुने। लाओ ये मेरा टेप है, क्या बोल रहे थे अभी आप? ये किसकी बुक है? है, ये तो आप भैया की आयशा, उसकी आयशा की बुक ले आए हो, आयशा की बुक ले आए हो, आयशा की बुक ले आए। नहीं आप इस पे क्यों लगा रहे हो, फटी भी थोड़ी ही है, थोड़ी सी थोड़ा सा लगा। अच्छा आप अभी टेप के बारे में क्या बोल रहे थे ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ मैं कह रही थी आप। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और शामी कबाब की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और बस इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो फिर मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी और फिर सिल बट्टे पे पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं पीस रही हूँ सिल पर कबाब का मसाला, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में पीस लें, और अगर सिल बट्टा है तो वेल एंड गुड है, आप सिल बट्टे पे पीसें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रेशा बनता है, और अगर
कीमे के बजाय गोश्त क्या बनाएंगी, यानी बोटियों के बनाएंगे आप कबाब, तो बहुत अच्छे बनेंगे। और इसमें मैंने डाला था एक बड़ा साइज़ का प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके बारीक। तो ये तैयार हो गए हमारे शामी कबाब। इसे आप फ्रोज़न कर लें और एज इट इज़ आप इसे फ्राई करके खाएं। मैं इसे फ़िलहाल फ्रिज में रख रही हूँ और जब खाएंगे तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।